हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। आज परंपरा एग्जीबिशन लगी है सिवनी में, जो आप फैशन एंड लाइफस्टाइल के सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। एंड गाइस, वहां से मुझे इनविटेशन आया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे वहां जाने की। और वैसे फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम पहले भी हो चुका है, बट मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी गाइस। अगर आप सिवनी में रहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, क्योंकि ये दो ही दिन का था और आज सेकेंड डे है। सो जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक ये क्लोज हो चुका होगा, बट अप्रैल में ये अगेन फिर से ओपन होने वाला है। सो इसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि कब होगा। सो आप भी अगर सिवनी में रहते हैं तो आप ये एग्जीबिशन को अटेंड कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर आपको ब्राइडल वियर, और जैसे कि अभी दिवाली है तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे क्या लेना है, तो वहाँ पर जाके चेक करते हैं, देखते हैं कैसा एग्जीबिशन है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा और आप भी मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। सो जल्दी से रेडी होके हम निकलते हैं एग्जीबिशन के लिए। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए थे परंपरा एग्जीबिशन। सो सामने से डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अंदर एंटर करते ही हमको मिला हैंडबैग का सेशन। तो यहाँ पर गाइस इतना प्यारे प्यारे कलेक्शन थे हैंडबैग के। और यहाँ पर आगे जाते ही मैंने देखा कि यहाँ पे सूट से बहुत बहुत सुंदर थे गाइस, बहुत ही ब्रांडेड थे। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सूट मैंने ले लिया गाइस। ये सूट जो थे अनस्टिच थे, बट ये वाइट वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये मैंने परचेस कर लिया। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पर ना पिस्ता कलर का कलर था, ये इसका जो मटेरियल था, ओ माय गॉड, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक थे, इयररिंग थे, और यहाँ पे डेकोरेशन का भी सामान था। ये इयररिंग मेरे पास एग्जैक्ट था, ये है डेकोरेशन का, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे गाइज। यहाँ पर ना मुझे लगा कि सारे ले लूँ, बट यहाँ पर मैंने एक लिया, ये वाला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, सो स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है, बाद में मुझे पता चला कि डिश वॉश करने का है। और ये एपिलेटर था जो हाथों के हेयर्स इसको रिमूव करता है, और वहाँ पे जो आंटी हैं उन्होंने मुझे रिमूव करके भी बताया और ये वर्क भी कर रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये भी मैंने परचेस कर लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके गाइज, यहाँ पे दिवाली में डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन था, और यहाँ पे दिए भी थे, और ये मेटल के बहुत ही सुंदर प्यारे दिए थे, और ये दो मैंने यहाँ पर लिया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस दिवाली गाइज यहाँ पर डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल गया मुझे। और नेक्स्ट गाइज, यहाँ पर मैंने दो ना किचेंस उठाए, जिसमें HRP का उठाया, जो कि हम दोनों के नेम थे। ओके, तो नेक्स्ट गाइज यहाँ पर आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे इयररिंग्स थे जो कि बहुत बहुत अच्छे थे, और ये हैंडमेड थे, और देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था हैंडमेड है, बट बहुत सुंदर कलेक्शन था। ये था नेकलेस का और कलेक्शन, नेक पीस थे जो कि बहुत ही यूनिक से लग रहे थे गाइज। यहाँ पर इनसे कुछ बातें हुई, ये कटनी के थे, और यहाँ पर आके उन्होंने अपना स्टॉल लगाया, और गाइज ये स्पेशली स्टॉल लगाने के लिए आया, उन्होंने अपना मुझे कार्ड भी दिया गाइज। इनका जो कलेक्शन था टोटली हैंडमेड था, और ये इंटीरियर भी करते हैं एंड डेकोरेशन भी करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का भी करते हैं। अगर आपको को लगे तो मैं नंबर आपको दे दूंगी, आप कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। यहाँ पर पैम्पर्स बहुत अच्छे लगे, और स्पेशली इनकी कैंडल्स जो थी वो हैंडमेड थी, मुझे काफ़ी पसंद आई, और इन्होंने अपना स्पेशल भी दिखाया चीज़। सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा यहाँ पर, ये हैंडबैग्स थे गाइज, बहुत ही ज़्यादा यूनिक थे। इसमें से गाइज जो वाइट कलर का पर्ल का जो हैंडबैग था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला। सो ये वाला परचेस करा मैंने, और सबसे ज़्यादा यूनिक सा लगा मुझे ये, इसलिए मैंने ये लिया। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो इंस्टा का पेज यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हो गाइज। आई गॉट क्यूट स्माइल। सो यहाँ पर जो दी थे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे एंड बहुत ही ज़्यादा हम्बल थे, जिस तरह वो बात कर रहे थे बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उन्होंने मेरा चैनल भी पूछा, मुझे सब्सक्राइब भी किया। और गाइज यहाँ पर अब कृष्ण जो भगवान हैं उनके जो क्लोथ्स है, कपड़े, बहुत सुंदर क्लोथ्स थे। और यहाँ पर मैंने ना बहुत कुछ लिया, यहाँ
पर छोटी छोटी चीज़ें जो कि मेरे यूज़ की थी, ये कैंडल भी थी जो कि बहुत प्यारी थी, ये भी मैंने लिया। और नेक्स्ट गाइज, यहाँ पर मैंने अपने खाने के लिए लिया अचार, एंड यहाँ पर हस्बैंड के लिए पापड़ लिया, हम दोनों का फेवरेट है ये। गाइज आगे जाके मैंने देखा जो ब्रांडेड हैंडबैग्स हैं उनके रिप्लिका थे यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे एंड ब्रांडेड लग रहे थे और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे। गाइस मुझे ना ये बैग लेने का बहुत ज़्यादा मन करा था, बट मैं ऑलरेडी एक बैग ले चुकी थी, इस वजह से मैंने सोचा कि अब जाने दो, लास्ट में चेक करते हैं। सो कलेक्शन इनका काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पर गाइस कुछ डेकोरेशन का सामान भी था और कुछ जो पूजा पाठ के लिए ज़रूरत होती है चीज़ें वो भी थी, दिए भी थे और वॉचेस भी थी। और गाइस यहाँ पे क्लचेस थे एंड हैंडबैग्स थे, बहुत अच्छे थे। सो यहाँ पर मुझे मिले यहाँ के मैनेजर और उन्होंने देखकर मुझे पहचान लिया और मुझसे बातें की बहुत सारा, मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस है, और मेरे बारे में भी पूछा, काफ़ी सारी हमारी यहाँ पर बात हुई, काफ़ी अच्छी थे ये। ओके सो इन्होंने मुझे नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए भी इनवाइट किया है कि आपको नेक्स्ट में आना ही है। सो जब भी रहेगा गाइज उसके पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी या स्टोरी पोस्ट कर दूँगी, जिससे आप सभी को इन्फॉर्म हो जाए ताकि आप इस एग्जीबिशन में आकर इन्जॉय करें एंड जो भी आपको है वो आप ले सके। गाइज यहाँ पर जो कलेक्शन था बहुत अच्छा कलेक्शन था, दिवाली के लिए अगर आप यहाँ पर आते थे देखते थे तो आपको बहुत अच्छा लगता था। बहुत हैवी ड्रेसेस थे, वेडिंग एथनिक थे और दिवाली फेस्टिव के लिए यहाँ पर एथनिक थे। और गाइज यहाँ पे टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा था तो ये वाला टॉप मैंने ले लिया, और टॉप कम थोड़ा कुर्ता पैटर्न टाइप का लग रहा था एंड एक वन पीस टाइप का था और फ्रॉक पैटर्न में अच्छा लगा था, बट मैंने बोला कि नहीं लेते हैं क्योंकि उसे मैं वियर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा था, बट देखने में अच्छा लग रहा था। यहाँ पर गाइज ये कुर्ता है और शर्ग पैटर्न में था, काफ्तान पैटर्न में था जो कि काफ्तान पैटर्न के मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आगे गई तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े थे, मैंने सोची कोई बच्चा तो है नहीं अभी, फिर भी मुझे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और गाइज यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सब ब्रांडेड लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने आगे चल के देखा कि यहाँ पर बेडशीट्स थे और बेडशीट में मुझे ज़्यादा वैरायटी नहीं दिखी, और एक पसंद आई थी वो भी मतलब डबल बेड की थी बट उसमें पिल्लो कवर्स नहीं थे, इस वजह से मैंने उसे नहीं लिया। यहाँ पर साड़ी भी थी, ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी तो, बट मुझे मुस्कान ने कहा कि नहीं अच्छी लग रही तो मैंने फिर नहीं लिया, मैंने सोचा जाने दो। और यहाँ पर आते हैं नेक पीस। गाइज यहाँ पे ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे थे, इस वजह से मैंने सोची कि चलो नहीं लेते हैं। मैं ना इधर उधर घूम रही थी कि कुछ अच्छा सा दिख जाए, कुछ अच्छा सा मिल जाए, कपड़े ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके, इस वजह से मैंने सोची कि अब जाने दो करके लिए। बट फिर भी हम गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं तो हमको हमारा मन कहाँ भरता है, इस वजह से यहाँ पर ना देख ही रही थी मैं तो, ये मुझे दिखा थोड़ा सा लेकिन ये ना डल टाइप लग रहा था, आपको फ़ोटो में उतना अच्छा नहीं लग रहा बट रियल में थोड़ा अच्छा ही लग रहा था। और गाइज यहाँ पर ना मुझे बहुत ही प्यारी ना कुर्ती, जो अनारकली पैटर्न की कुर्ती है ना वो दिखी, और इतनी ज़्यादा प्यारी है, इसे मैंने वियर भी करी थी घर आके और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। बस आगे देखा मैंने जाके तो यहाँ पे टोट बैग्स भी थे, और इनका ब्रांड है और इनकी इंस्टा की वेबसाइट भी है और इंस्टा का पेज भी है। ये बैग मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और गाइस ये भी ना थोड़ा चेन टाइप में था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा जो ब्रांडेड है उसके रिप्लिका है आई थिंक ये, मैंने अच्छे से पूछा नहीं उनको। सो ये गाइस देख के ना मुझे लगा बिग बॉस की आँख तो यहाँ पर ना मैं देख के वो हंसती थी। गाइस ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट ऐसे बैग्स ना मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा एक हाथ ना इंगेज हो गया। ओके सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहाँ से कुछ नहीं लेना है। सो नेक्स्ट यहाँ पर गई गाइस तो यहाँ पे ना रेडीमेड क्लोथ्स थे एंड स्टिच करने वाले भी क्लोथ्स थे, तो
अच्छे लग रहे थे काफ़ी, और पता नहीं मेरा ना ध्यान ऑफ वाइट में ही क्यों जा रहा था, और आजकल ना ऑफ वाइट बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े डिसेंट से लगते हैं। सो मैंने भी उनको कहा कि थोड़े से डिसेंट टाइप के दिखाओ, तो वो जो वाइट वाला था वो मैंने ले लिया, अच्छा लग रहा था। यहाँ पर थी स्लीपर्स, और ये जो स्लीपर्स है वैसे मैं नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। आइज मैं ना कब से सोच रही थी कि यहाँ कुछ खाने का मिल जाए, कुछ खाने का मिल जाए, और फाइनली यहाँ मुझे मिल गई पेस्ट्री। पेस्ट्री उन्होंने तुरंत ताज़ी बना के लाई थी, फ्रेश थी, और यहाँ पे चॉकलेट पेस्ट्री थी एंड पाइनएप्पल केक थे एंड बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी और जो मेरा फेवरेट है चॉकलेट केक वो खाई एंड पाइनएप्पल पेस्ट्री ली यहाँ पर। गाइज आप यहाँ पे क्राउड देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इतनी कि हमको शॉप में जाने की भी जगह नहीं थी, बट फिर भी हम दूर से ही देख रहे थे कि कुछ अच्छा लगे तो हम ले लें। गाइज पूरे स्टॉल में ना यहाँ के जो नेक पीस है वो इतने ज़्यादा यूनिक थे, इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे। मैंने ऐसे नेक पीस ना फर्स्ट टाइम देखी थी, और जो मुझे चाहिए था वो वहाँ पर दी ने ले लिए थे, और वो दी मेरे पहचान के निकल गए। जैसे मैंने उन्हें देखा ना तो मैंने कहा अरे आप हो, ये श्री विद्या बेकरी के ओनर है, और इनकी बेकरी है सिवनी में, जो कि मैं शादी के पहले से इनके पास एक केक बनाती आ रही हूँ, बहुत बहुत यमी केक बनाते हैं। और अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, इंस्टा का पेज मैं मेंशन कर दूँगी। ओके गाइस, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, काफ़ी सारे पहचान के लोग भी मिले और बहुत अच्छा लगा। पूरा एग्जीबिशन मैंने इन्जॉय किया और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ख़रीदी। ओके सो लास्ट में जो यहाँ के ओनर है जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सिर्फ सिवनी में नहीं, ये छिंदवाड़ा में और अलग अलग सिटी में भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे मिल के। गाइस इनका नाम शिखा मोदी है, और आई होप आपको भी ये पूरा एग्जीबिशन मेरे साथ घूम के अच्छा लगा होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। गाइस अगर आप सिवनी के नहीं भी हो तो भी आप यहाँ पर आगे परचेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग सिटी के आते हैं, भोपाल, इंदौर एंड नागपुर, सभी जगह के यहाँ पर आए थे अपना स्टॉल लगाने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा लगे आपको भी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।